फरीदाबाद ने लोगों को जागरूक करने के लिए खुद कोरोना सड़कों पर उतराया है। जी हां, कुछ समाज सेवी कोरोना की ड्रेस पहनकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में कुछ युवक कोरोना का रूप धारण कर सड़कों पर उतर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक ये एक धार्मिक एकता संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिनका मकसद उन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है जो लोग लॉकडाउन का पालन ना कर बेवजह ही सड़कों पर घूम रहे हैं। इन्होंने लोगों को समझाया कि वो कोरोना वायरस को हल्के में ना ले। कोरोना वायरस किसी छोटे बड़े, अमीर गरीब और सगे संबंधी में फर्क नहीं करता। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, वो गलत सोचते हैं। इसके लिए लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और लोगों को अपने घरों में रहने की जरूरत है, तभी वो सुरक्षित रह सकेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए विचार ये सर हमारी संस्था का विचार है कि लोगों को जागरूक किया जाए। हमारी संस्था का नाम धार्मिक एकता संगठन, जो कि पहले दिन से बहुत जागरूक का काम कर रही है। सर हमारा यही संदेश है, लोग अपने घर में रहें, अन्यथा बाहर निकलेंगे तो अपनी भी जान संकट में डालेंगे, अपने आस पड़ोसियों और परिवार वालों की भी, क्योंकि ये बहुत भयानक बीमारी है। और हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं, अपने घर पे रहो, अपने परिवार में रहो, सुरक्षित रहो। अगर रोड पे आओगे तो कोरोना की चपेट लेके जाओगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना की ड्रेस पहने युवक ने बताया कि कुछ लोग समझाने के समय तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो बेवजह घरों से बाहर निकलेगा तो अपने घर कोरोना लेकर जाएगा, क्योंकि बाहर कोरोना तैयार है। आप घर से बाहर निकलते हैं बिना मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का नहीं ध्यान रखते, तो आपको मैं आपको जरूर मिलूंगा। मेरा निरोध है, आप अनुरोध है, आप बिना मास्क के निकले और मुझ तक आए, आपको ऊपर तक ले जाने की गारंटी मेरी। ये समाज सेवी बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनसे अपने परिवार और समाज को खतरे में न डालने की अपील भी कर रहे हैं।